नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई सबसे पहले जो है आप सभी लोगों का थैंक यू, क्योंकि भाई आपने जो है पिछले कुछ वीडियोस में काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। हर वीडियो में जो है 1000 के ऊपर लाइक दिए हैं। और भाई जिसने जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, जल्दी जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। भाई मैं जो है इंस्टाग्राम पे भी क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज देता रहता हूँ, तो अभी जाके जो है फॉलो कर लीजिए। लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तो भाई जिसका जो है हम सभी को इंतजार था 100 बॉल टूर्नामेंट के ड्राफ्ट ऑक्शन का, वो जो ऑक्शन था कल हो चुका है। तो आज जो है मैं आप सभी को इस मतलब कि सभी टीम्स के स्क्वाड के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सितारे किस टीम के अंदर गए हैं और कौन से बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं, सारी जानकारी आपको दे दूंगा। शुरुआत करते हैं भाई कौन कौन से बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर अनसोल्ड गए हैं। नंबर वन क्रिस गेल, मलिंगा, रबाडा और बाबर आजम, ये है चार बड़े खिलाड़ी जो कि दोस्तों 100 बॉल ऑक्शन के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए। इनको जो है किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। अब बात करते हैं सभी आठों टीम के स्क्वाड की। तो भाई सबसे पहले जो हम बात करेंगे एक एक करके हर एक टीम के बारे, मतलब कि उस टीम के अंदर कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद है। शुरुआत करते हैं भाई ट्रेंट रॉकेट की टीम से। तो भाई इनके अंदर जो है राशिद खान, डार्सी शॉर्ट, नेथन कुल्टर नाइल, डेविड मलान और जो रूट, तो भाई ये है इस टीम के अंदर अंतरराष्ट्रीय सितारे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीम है साउदर्न ब्रेव, इसके अंदर रसल, वार्नर, आर्चर और सदाब खान। तो भाई ये टीम काफी मजबूत दिख रही है, इसके अंदर रसल भी है, आर्चर भी है और वार्नर भी है। आगे चलते हैं भाई तीसरी टीम नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, इसके अंदर जो है बेन स्टोक्स, एरोन फिंच, मुजीब रहमान और क्रिस लिन, ये है बड़े अंतर्राष्ट्रीय सितारे। चौथी टीम है वेल्स फायर, इसके अंदर जॉनी ब्रेस्टो, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ और टॉम बेंटन। तो भाई मिचेल स्टार्क और जॉनी ब्रेस्टो और स्टीवन स्मिथ की जोड़ी आपको फायर के अंदर दिखाई देने वाली है। और तो आगे चलते हैं ओवल इनविंसिबल की टीम है सैम कुरन, सुनील नारायण, जेसन रॉय, सैम बिलिंग्स और संदीप लामिचाने, ये रहने वाली है टीम ओवल की। अब बात करते हैं भाई मैनचेस्टर की टीम की, तो इसके अंदर जॉस बटलर और इमरान ताहिर, ये है दो बड़े खिलाड़ी। नेक्स्ट टीम है लंदन स्पिरिट, इसके अंदर मैक्सवेल, मॉर्गन, मोहम्मद नाबी और मोहम्मद आमिर, तो भाई ये जो है मैक्सवेल की टीम है लंदन स्पिरिट। लास्ट टीम है बर्मिंगम, इसके अंदर क्रिस वोक्स, लियम लिविंगस्टन, उसके बाद है मोइन अली, केन विलियमसन और रवि भोपारा। तो भाई जो विलियमसन है उनकी टीम है बर्मिंगम। दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट टीम जो दिखाई दे रही है वो दे रही है साउदर्न ब्रेव की, जिसके अंदर रसल भी है, आर्चर भी है और वार्नर भी है। भाई अभी जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से, जहां पर दोस्तों मैंने जो है ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे ये न्यूज को पोस्ट कर दिया था कि भाई जो रॉयल्स की टीम है उसने जो है अगले 3 साल के लिए अपने नए हेड कोच को अनाउंस कर दिया है और उसका नाम है एंड्रू बैरी मैकडॉनल्ड। भाई ये जो कोच अगर आपको नहीं पता, तो जो दोस्तों जो पिछले साल का बिग बैश लीग हुआ था उसके अंदर जो टीम चैंपियन बनी थी मेलबर्न रेनेगेड्स, उस टीम के कोच थे एंड्रू बैरी मैकडॉनल्ड और उसी कोच को जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अगले 3 साल के लिए अपना नया हेड कोच चुना है। ये जो है दिल्ली में भी कोचिंग की है और RCB में भी कोचिंग कर चुके हैं। अब बात करते हैं भाई दिनेश कार्तिक की, जो कि काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। दिनेश कार्तिक ने भाई कहा भी है कि वो जो है T20 वर्ल्ड कप 2020 में जो है धोनी की तरह ही एक अच्छे फिनिशर साबित हो सकते हैं। अगर भाई मेरे हिसाब से देखा जाए दिनेश कार्तिक जो है इस टीम के काफी अच्छे फिनिशर है, न जाने क्यों कार्तिक को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। ये जो है कार्तिक के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कार्तिक जो है काफी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। और उसी के साथ जो है एक और बात कर लेते हैं धवन की। भाई धवन जो है काफी खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, 7 इनिंग में जो है मात्र 130 रन ही मार पाए हैं धवन ये साल के विजय हजारे ट्रॉफी में, जहां पे दोस्तों बात करते हैं क्वार्टर फाइनल में, वहां पे जो है धवन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। तो क्या ये धवन के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है? धवन जो है अपने डोमेस्टिक मैच में रन्स नहीं मार पा रहे, धवन का जो फॉर्म है दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा, तो ये जो है धवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों क्या आप सभी चाहते हो कि आंद्रे रसल ये साल के बिग बैश लीग में खेलते हुए दिखाई दे? तो भाई ये
खुश हो जाइए, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है बिग बैस की मेलबर्न रेनिगेट्स, वो दोस्तों रसल को अपने टीम में साइन कर सकती है, ऐसी जो है न्यूज निकल के आ रही है। अभी जो है उनका पूरा बातचीत चालू है, कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग चालू है और रसल जो है आने वाले टाइम में ये साल के बिग बैस लीग में मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो भाई रसल के फैन खुश हो जाइए, रसल के लंबे लंबे छक्के ये साल के बिग बैश में दिखाई देने वाले हैं। भाई यहाँ पे जो है रोहित शर्मा ने सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बात करते हैं अपने घर पे 10 इनिंग में सबसे हाईएस्ट एवरेज किसके नाम पे है। यहाँ पे रोहित शर्मा जो है 10 इनिंग में इंडिया में टेस्ट मुकाबले में बात करें तो उनका एवरेज है 99.84, जहाँ पे दोस्तों जो अपने सर डॉन ब्रैडमैन है उनका दोस्तों 98.22 का एवरेज है 10 इनिंग में अपने घर पे। तो यहाँ पे जो है रोहित शर्मा ने डॉन ब्रैडमैन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भाई, इंडिया वर्सेस सीरीज होने वाली है बांग्लादेश। यहाँ पे दोस्तों लेकिन जो टीम है बांग्लादेश उसने जो है इंडिया के सीरीज को बॉयकॉट करना चाहती है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो है दो सीनियर प्लेयर साकिब अल हसन और मोहम्मद दुरा ने जो है एक बहुत ही बड़ी डिमांड कही है, बात कही है कि जो उनको मिलती है फैसिलिटी वो दोस्तों प्लेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो है साकिब अल हसन ने उनके बोर्ड के सामने कुल 11 डिमांड रखी है। अगर ये 11 डिमांड पूरी होती है तभी जो है उनके प्लेयर जाएंगे भारत में खेलने, नहीं तो फिर इस सीरीज को जो है हम कैंसल मान के चल सकते हैं। तो भाई ये जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि आने वाले टाइम में जो है ये सीरीज हमको कैंसल होते हुए दिखाई दे सकती है अगर बांग्लादेश के प्लेयर की 11 डिमांड को पूरा किया ना गया। तो उनका मानना यह है कि जो उनकी बोर्ड है वो जो है उनको पर्याप्त फैसिलिटी नहीं करती है, जिससे कि जो है अच्छे अच्छे क्रिकेटर इस देश से आगे निकल के नहीं आ पाते हैं। एट दी एंड बात करते हैं भाई पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज की, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम ने जो है अपना टेस्ट और T20 का स्क्वाड जारी कर दिया है। टेस्ट के अंदर जो है नए खिलाड़ी मूसा खान, भाई बहुत ही रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं मूसा खान, उनका जो है नाम टेस्ट के स्क्वाड में आया है। वहीं जो है T20 के स्क्वाड में लंबे चौड़े मोहम्मद इरफान की जो है वापसी हुई है। आप जो है सारा स्क्वाड अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरे पास सारी न्यूज, मैंने आप सभी तक पहुंचा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया हो जल्दी जो है फॉलो भी करके रख लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।